हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीको सी ए स्टूडेंट। मेरा नाम है आशीष और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 क्वालिटी कंट्रोल। तो इस लेक्चर में मैं आपको क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो क्वालिटी कंट्रोल को मैं बोलता हूं हमेशा ऑडिट क्वालिटी, मतलब हमें ऑडिट करनी है उसमें कैसे कैसे हमें क्वालिटी को अपनाना है। देखो, मैं आपको ऑडिट पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं कुछ अपनी चीज़ें बता देता हूँ। मैं आपको ऑडिट ऐसे पढ़ाऊँगा जैसे कि हम खुद एक फर्म चला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, या तो आप मैं सबसे अच्छा रिकमेंड यही कहूँगा, आप जैसे पढ़ना हो आप पढ़ लेना, लेकिन मेरी वीडियोज़ को चलाते वक्त आप क्या करना कि वीडियो को पॉज करना, जो भी मैंने पढ़ाया, जो भी मैंने मार्क करवाया उसको दोबारा से पढ़ना। चाहे इस वीडियो को देखने में हो सकता है आधे घंटे की वीडियो हो, एक घंटे की वीडियो हो, आपको आधा दिन लग जाए, बट आपको वो चीज़ अच्छे से समझ आनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ आपका उसमें आउटपुट ज़्यादा होना चाहिए। मेरा लक्ष्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं 15 मिनट की 10 मिनट की एक वीडियो बनाऊँ और यूट्यूब पे फेमस हो जाऊँ। मेरा काम है आपकी अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपको पेपर के लिए अच्छा समझ आए। तो आगे बढ़ते हैं, क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल से मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि मेरी एक फर्म है उसमें क्वालिटी कैसी हो। इस चैप्टर में पूरी ऑडिट फर्म की ही बात करी जाएगी, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ठीक है। हमारा मतलब जब हम काम करने जाते हैं, एश्योरेंस सर्विसेज देने जाते हैं, ऑडिट करने जाते हैं, तो भैया हमारी भी तो खुद की क्वालिटी भी तो होनी चाहिए ना, तभी तो फर्म प्रोफेशनल कहलाएगी। तो ऑडिट कंट्रोल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में, अच्छा, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस कितनी है पेपर में, तो पेपर में इसकी इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा। हर अटेम्प्ट में, एवरी अटेम्प्ट में 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है क्वालिटी कंट्रोल पे, जिसमें या तो क्वेश्चन आएगा SQC 1 में से, या फिर आएगा SA 220 में से, या आ सकता है दोनों में से। ऐसा नहीं है कि आपको ये ज़्यादा अच्छे से करना है, इस बार ये पूछ लिया तो अगली बार ये पूछेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों इंटरलिंक्ड हैं। क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ, तो ठीक है, आपको पढ़ने दोनों ही अच्छे से, जो जो मैं मार्क करवाऊँ वो अच्छे से पढ़ना बस, ठीक है। तो पहला है क्वालिटी कंट्रोल में SQC 1 और SA 220। SA 220 ईजी है, मैं कल पढ़ाऊँगा, आज हम SQC 1 पढ़ेंगे, ठीक है। तो SQC 1 में क्या है, एक तो है क्वालिटी कंट्रोल फॉर द फर्म्स। देखो, क्वालिटी कंट्रोल किसका हो रहा है, फर्म का हो रहा है, ऑडिट फर्म का हो रहा है। दैट परफॉर्म्स ऑडिट, पहला क्या कर रही है, ऑडिट परफॉर्म कर रही है, या तो या फिर रिव्यू कर रही है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, या फिर अदर एश्योरेंस कर रही है, या फिर रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट कर रही है। देखो, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल फर्म्स का जो क्या कर रही है, या तो ऑडिट कर रही है, यहाँ 4 चीज़ें कर रही है, ध्यान दिया, या तो ऑडिट कर रही है, मतलब हम जो ऑडिट करने जाते हैं, आपने देखा होगा स्टैट ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट, ऑडिट ऑडिट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, ऑडिट ऑडिट, तो ऑडिट करने जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा है रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं किसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही पढ़ने जा रहा हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनी है कि नहीं बनी, या फिर मैं उनको बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, या उन पर एक रिव्यू देने जा रहा हूँ, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करके उस पर रिव्यू देने जा रहा हूँ। तो रिव्यू वाला यहाँ पर सेकेंड हो गया। तो पहली सर्विस क्या हो गई, ऑडिट की, दूसरा हो गया रिव्यू का, ठीक है, हमारी फर्म रिव्यू भी कर सकती है किसी का हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तीसरा है अदर एश्योरेंस सर्विस, कोई एश्योरेंस सर्विस मैं उनको दे रहा हूं, उनका इन्वेंट्री चेक कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, कोई एश्योरेंस सर्विस दे रहा हूं कि हाँ ये जो तुमने काम किया है बिल्कुल ठीक किया है, ठीक है, एश्योरेंस सर्विस। आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में चैप्टर्स में। फोर्थ है रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट, मैं उसको मतलब कोई रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट, मतलब उसकी उसकी फर्म से जुड़ी हुई कोई और कंपनी है, उससे रिलेटेड कोई सर्विसेज दे रहा हूँ, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, अब आगे पढ़ते हैं ऐसे 220 क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें क्वालिटी कंट्रोल की बात कर रहे हैं ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब ये जो हम ऑडिट वाला वर्ड मैंने यूज़ किया था ना फर्स्ट वाला, तो यहाँ पर बस ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ही बात होती है। मतलब एक तरीके से ऐसे 220 तो बहुत छोटा है, ऐसे 220 तो बस ऑडिट की बात करता है, क्योंकि हमारे जितने भी एसेस चलते हैं वो सारे ऑडिट की ही बात करते हैं एक्चुअल में। तो SQC 1 तो हमारी पूरी फर्म की क्वालिटी है, समझ रहे हो, मेरी जो पूरी ऑडिट फर्म है उसके ऊपर जो क्वालिटी है वो SQC 1 उसमें देख रहे हैं, और ऐसे 220 तो एक तरीके से बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ऐसे 220 में ये भी कह सकता हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SQC 1 यहाँ पर है, क्योंकि बस SQC 1 तो एज अ होल देख रहा है पूरी फर्म की क्वालिटी, ऐसे 220 तो बस क्वालिटी देख रहा है किसकी, ऑडिट की, तो ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। आप देखेंगे मैं SQC 1 आपको पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन आंसर्स आज मैं नहीं करवाऊंगा, मैं दोनों के एक साथ करवाऊंगा, आप देखेंगे कि जो इसमें जो SQC 1 हम जब पढ़ेंगे ना, तो
ये जो भी पढ़ेंगे फिर बाद में जब हम ये पढ़ेंगे ना, तो काफ़ी सारे पॉइंट्स इसके यहाँ पर आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि इधर चार चीज़ों की बात हो रही है, इधर एक चीज़ की बात हो रही है, ठीक है? तो ऑब्वियसली सेम तो होंगे ही होगा। तो आगे पढ़ते हैं, क्या ये पढ़ना है? नहीं, ये नहीं पढ़ना है। आपके पास टाइम है तो पढ़ो, वरना नहीं। ये एग्जाम्पल है बस, ठीक है? इसके बाद आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आ जाओ SQC 1 में, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप अपनी सारी स्टडी मटेरियल खोल लीजिए। तो SQC 1 क्या करता है, इसका नाम क्या होता है SQC 1 का? क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फर्म, फॉर फर्म दैट परफॉर्म्स ऑडिट, ऑडिट परफॉर्म कर रही है, या फिर रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कर रही है, या फिर अदर एश्योरेंस दे रही है, या फिर रिलेटेड सर्विस एंड एंगेजमेंट दे रही है, ठीक है? ये चार सर्विसेज दे रही है, मतलब ये चार चीज़ें कर रही है, तो उस पर हमें क्वालिटी कंट्रोल करना है उस फर्म पे। मतलब मान के चलते हैं आज की डेट में हमारी खुद की फर्म, ठीक है? हमारी एक आर्टिकल, सॉरी, हमारी एक फर्म है, ठीक है? उसका हम देख के चल रहे हैं, तो उसकी तरह से मैं एग्जाम्पल लूँगा। अब पढ़ते हैं, SQC 1 रिक्वायर्स दैट फर्म शुड establish a system of quality control। फर्म को एक establish करना पड़ेगा system quality control का, design to provide with reasonable assurance, तो जो कि reasonable assurance दे पाए। देखो हमारी जो CA फर्म है ना, कभी भी एक, मतलब एक क्या बोलते हैं उसे, प्रॉपर एश्योरेंस नहीं देती, मतलब एक कॉन्क्रीट एश्योरेंस नहीं देती, हमेशा एक रीजनेबल एश्योरेंस देती है। रीजनेबल एश्योरेंस का क्या मतलब है कि हमने काम कर दिया और वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है? वो ठीक है, रीजनेबली एश्योरेंस दे रहे हैं, वो ठीक है। मैं ये नहीं कह के आ रहा कि भैया कल को अगर कंपनी में कोई फ्रॉड निकला तो मेरा गला पकड़ लेना। आप कहोगे कि सर आप कैसी बातें कर रहे हो, अभी जैसे PwC का नाम आया तो था, एक जगह पे गलत ऑडिट करी थी तो गला तो पकड़ा गया था। गला पकड़ा जाएगा बस एक हद तक कि हाँ भाई आपने ऑडिट करी, रीजनेबल एश्योरेंस वहाँ पर देकर आए, लेकिन फिर भी ये फ्रॉड कैसे पकड़ा गया? क्या आपने ऑडिट ढंग से नहीं करी? लेकिन ये एक मतलब एक वो नहीं है, एक पूरा एक्यूरेट एश्योरेंस नहीं है। इसका मतलब क्या है एक्यूरेट एश्योरेंस का? मतलब एक कॉन्क्रीट एश्योरेंस नहीं है। मतलब जैसे कि कल को मान लो फ्रॉड मिला, अब फ्रॉड में तहकीकात होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, कौन कौन इन्वॉल्व था। मान लो एक अकाउंटेंट इन्वॉल्व था, उसको पकड़ लेंगे, जेल में बंद कर देंगे। लेकिन क्या मुझे भी जेल में पकड़ने आएंगे कि आपने तो ऑडिट की थी, आप भी जेल में बंद हो? नहीं, मेरे को बंद नहीं करने आएंगे। मेरा जितना भी प्रोफेशनल एथिक्स में जो भी गलतियां हैं, मैंने ढंग से ऑडिट नहीं करी, तो मेरे ऊपर चार्जेस लगाए जाएंगे, पेनल्टीज लगाएगी ICI, ठीक है? हो सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में भी मेरे ऊपर पेनल्टीज लगे, लेकिन मेरा गला नहीं पकड़ा जाएगा कि आजा तू भी जेल में आ जा। हाँ, अगर मेरी इन्वॉल्वमेंट है फ्रॉड में तो ऑब्वियसली मेरे को जेल होगी, वरना नहीं होगी। तो हम एक रीजनेबल एश्योरेंस दे के आते हैं, इस वर्ड को मार्क कर लो, ठीक है? रीजनेबल एश्योरेंस दे के जाते हैं दैट फर्म एंड इट्स पर्सनल कंप्लाई। पर्सनल का मतलब है हमारे खुद का स्टाफ, कंप्लाई विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, हम लोग प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से कंप्लाई करते हैं, एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट से, ठीक है? एंड रिपोर्ट इशूड बाय द फर्म एंड एंगेजमेंट पार्टनर्स आर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस। फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल शुड कंसिस्ट ऑफ पॉलिसी डिजाइन टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। हमारी पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि जो ऐसी डिजाइन होनी चाहिए कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम अचीव कर पाएं। और द क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड अप्लाइज टू ऑल फर्म्स। ऑल फर्म्स का मतलब बताता हूँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ऑल फर्म्स का मतलब चाहे हमारी सोल प्रैक्टिस है, या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप है, या पार्टनरशिप है, सब पे ये अप्लाई होंगे, ठीक है? हमें इस तरीके से अपने मतलब पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स बनाने हैं। तो मतलब क्या ऑल फर्म्स का मतलब, आप तो कह रहे थे सर कि अभी हम फर्म की बात ही करेंगे इसमें SQC 1 में, तो फर्म में भी अलग अलग आता है। आपने बोला अभी सोल प्रोप्राइटर प्रैक्टिस, सोल प्रैक्टिस तो प्रोप्राइटरशिप हो गई ना, तो हाँ वो भी एक फर्म का ही पार्ट है। सोल प्रोप्राइटर हो गई, सोल प्रैक्टिस हो गई, वो भी मेरी फर्म ही है, ठीक है? मतलब ये कहना चाहता है यहाँ पर जो फर्म बोल रहे हैं ना, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके यहाँ दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स हैं, आप अकेले भी हो, कंपनी चला रहे हो, हो सकता है ना आप कंपनी चला रहे हो, खुद की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो भी फर्म ही है, ठीक है? तो मतलब ये कहना चाहता है। अब देखो आप कहोगे सर ये तो जनरल चीज थी, आपने इतना डिटेल में क्यों बताया? तो देखो बेटा, ये ऑडिट पढ़ रहे हैं, जो इसमें लिखा हुआ है ना बहुत ध्यान से पढ़ना। आपको CA बनने के बाद आप अगर चाहे प्रैक्टिस में जाओ, चाहे जॉब में जाओ, क्योंकि जॉब में भी ये सब चीज़ें आएंगी, तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें आज के लेक्चर में भी बताऊंगा ना, आप खुद कहोगे यार हमारा ऑडिट पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, रट्टाफिकेशन नहीं बनना। देखो मैं दो CA के बारे में बात करूंगा पूरी इस क्लास में, एक गंदा CA, एक अच्छा CA। आपको क्या बनना है? अच्छा CA। तो अच्छा CA क्या करता है, ढंग से एक एक चीज़ को पढ़ता है, फिर
ऑडिटर बनते हुए वो एक एक चीज को इम्प्लीमेंट करता है। ऐसा नहीं कहता कि अरे आपकी फॉर्म में ऐसा भी होता है, अरे वाह कितनी नई चीज मुझे पता चल गई। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ जो मैं पढ़ाऊंगा ना, आपको सब कुछ मिलेगा प्रैक्टिकल लाइफ में देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। फिर है एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। अच्छा, क्वालिटी कंट्रोल के एलिमेंट्स क्या क्या हैं? एलिमेंट्स का क्या मतलब है? देखो, क्वालिटी कंट्रोल आप कर रहे हो तो क्या क्या वो एरियाज हैं जो टच होंगे? तो पहला है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। ठीक है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ होंगी, अभी डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे, इधर आ जाओ। फिर है एथिकल रिक्वायरमेंट्स, ये भी डिटेल में पढ़ेंगे। एथिकल रिक्वायरमेंट्स का आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप विद स्पेसिफिक एंगेजमेंट, आपको कैसे एक्सेप्ट करना है क्लाइंट रिलेशनशिप को, वो पढ़ेंगे। ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब हमारे खुद के आर्टिकल्स, हमारा खुद के स्टाफ के बारे में पढ़ेंगे, तो वही तो क्वालिटी कंट्रोल में ही सब हेल्प करेंगे ना। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, हमारी खुद की परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए। मॉनिटरिंग, मतलब क्या हमारे काम को कुछ मॉनिटर भी होना चाहिए हमारा काम। तो ये सारे हम ये जितने भी एरियाज पढ़ेंगे, इन सबसे ही हमारा क्वालिटी कंट्रोल बनेगा। मतलब इन एरियाज के बिना क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो सकता। इन एरियाज की बहुत ज़रूरत है, इन एलिमेंट्स की बहुत ज़रूरत है, ताकि एक अच्छा क्वालिटी कंट्रोल हम इस्टेब्लिश कर पाएँ। आगे बढ़ते हैं। क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर शुड बी डॉक्यूमेंटेड। डॉक्यूमेंट होने चाहिए और कम्युनिकेट होने चाहिए फर्म पर्सनल को। भाई तुम जो भी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज और प्रोसीजर बना रहे हो, वो अपने डॉक्यूमेंट करो, उसको लिख लो कहीं पर, ठीक है, और उसको कम्युनिकेट करो अपने फर्म के पर्सनल, मतलब अपने आर्टिकल्स के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ, सबको कम्युनिकेट भी करो। जैसे होता क्या है, मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, हर चीज़ एग्जांपल से समझाऊंगा। एक होती है छोटी फॉर्म, एक होती है बड़ी फॉर्म। मैं अपने एग्जांपल में लेके चलूंगा कि मैंने आर्टिकलशिप दो जगहों से करी, एक करी टॉप 10 से, एक करी छोटी कंपनी से। ठीक है, छोटी कंपनी से। जो छोटी कंपनी में गया, पहले मैं टॉप 10 में गया था, तो टॉप 10 में गया, अच्छा आप कहोगे कि पहले आप टॉप 10 में गए थे फिर आप छोटी कंपनी में गए थे, ऐसे थोड़ा ना होता। पहले हम छोटी में जाते फिर टॉप 10 में गए, नहीं नहीं मेरे केस में अलग था, उसका रीज़न मैं नहीं बता सकता। तो मैं गया पहले बड़ी कंपनी में, तो बड़ी कंपनी में क्या हुआ, उन्होंने डे वन में मेरे को हायर किया, फिर दूसरे दिन में उन्होंने मेरे को ऑडिट पे भेजा, तो पूरी अपनी पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स उन्होंने पेपर्स में मेरे को दिया। ठीक है, उस टाइम पे पीडीएफ इतनी नहीं बिकती थी, उन्होंने मेरे को पेपर्स में दिया, ये लो पेपर्स आशीष और पढ़ो सारे के सारे। तो मैंने सारी की सारी चीज़ें पढ़ी, उनकी डॉक्यूमेंटेड थी इसलिए मैंने पढ़ी, और मुझे बताया गया कि आपको क्या क्या करना है, मेरे को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई। सेकेंड फॉर्म में जब मैं गया छोटी वाली कंपनी में, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया मुझे, उन्होंने मेरे बोला कि जाओ ऑडिट कर लो। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस होते हैं। इसके बाद क्या होता है, बाय कम्युनिकेटेड द फर्म रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्टेनिंग फीडबैक ऑन द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम फ्रॉम हिज पर्सनल। अब आपने डॉक्यूमेंट तो कर लिए, आप अपने कम्युनिकेट भी कर दिए, आप एक फीडबैक भी ले लेना उनका क्वालिटी कंट्रोल पे। ठीक है, ठीक है, आप अपने लोगों से पर्सनल, मतलब आपके आर्टिकल्स, आपके जो स्टाफ है, उससे एक फीडबैक भी ले लेना, क्या जो हमने बनाया है वो ठीक है। देयरफॉर द फर्म एनकरेज इट्स पर्सनल टू कम्युनिकेट देयर व्यूज और कंसर्न ऑन द क्वालिटी कंट्रोल मैटर्स। मतलब ऐसा नहीं है कि क्वालिटी कंट्रोल बहुत रिजिड है, भाई हमने जो क्वालिटी कंट्रोल बनाया है, हमने जो रूल्स एंड रेगुलेशन अपनी कंपनी के बनाए हैं, तो उसमें सबका पॉइंट ऑफ व्यू भी इंक्लूड होना चाहिए वो, और वो एक तरीके से एनकरेज भी करेगा हमारे पर्सनल को। ऑब्वियसली यार वो हमारा पार्ट है, तो उनके व्यूज तो होने ही चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाओ लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी विद इन द फर्म, सॉरी। तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होंगी, इसको आप मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एसक्यूसी वन रिक्वायर्स फर्म टू एस्टैब्लिश पॉलिसी एंड प्रोसीजर डिजाइन टू प्रमोट इट्स इंटरनल कल्चर बेस्ड ऑन द रिकॉग्निशन दैट क्वालिटी इज एसेंशियल इन परफॉर्मिंग एंगेजमेंट। ठीक है, मैं आपको मतलब बता रहा हूँ इसका। सच पॉलिसी एंड प्रोसीजर शुड रिक्वायर द फर्म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और फर्म्स मैनेजिंग पार्टनर टू assume the ultimate responsibility for firm system and quality control। देखो क्या क्या रहा है, ये कह रहा है एसक्यूसी वन ये चाहता है कि आप जो भी पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाओ वो आपके इंटरनल कल्चर को प्रमोट करे। ठीक है, ताकि आप अच्छे से अपनी ऑडिट मतलब अपनी सॉरी अपने एंगेजमेंट को परफॉर्म कर पाओ, मतलब आप जहाँ भी ऑडिट कर रहे हो, एश्योरेंस दे रहे हो, रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हो, वहाँ पर अच्छी तरह काम कर पाओ। और ये सारी की सारी जिम्मेदारी है फर्म के सीईओ या फिर फर्म के मैनेजिंग पार्टनर की, कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे इस क्वालिटी कंट्रोल के लिए और मतलब अच्छे से क्वालिटी कंट्रोल निभा पाए। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। इसके बाद आ जाओ यहाँ पर, ठीक है, उसको छोड़ दो, जो भी बीच में लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट नहीं है।
ऑडिट कंट्रोल इज पैरामाउंट टू इन ऑल एंगेजमेंट. एंगेजमेंट्स मैंने आपको बताई थी अलग अलग होती हैं. सोल प्रोप्राइटर होती है, ठीक है, अपनी सोल प्रैक्टिस होती है, इसके अलावा फर्म होती है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. पैरामाउंट का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट होना. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑडिट का, ऑडिट क्वालिटी. इट इज़ नॉन नेगोशिएबल. ये नेगोशिएबल नहीं है. आपने एक बार बना दिया ऑडिट क्वालिटी तो ऐसा नहीं है जैसे कल को कोई और उठ के आ गया आपकी फॉर्म में, उसने कहा नहीं नहीं जी ऐसा होना चाहिए. भैया पहले जब बना रहे थे, हर साल रिव्यू भी होती है, ठीक है, तो हर साल रिव्यू में अपने पॉइंट्स डाल. अब तो बीच में क्या बीच में बक बक कर रहा है, बना दिया ना, अब बीच में चेंज मत कर. इन दिस रिगार्ड इट शुड बी इंश्योर्ड दैट इस रिगार्ड में, ठीक है, कि ये नॉन नेगोशिएबल है और बहुत इंपॉर्टेंट है. इस रिगार्ड में इंश्योर करोगे आप, क्या इंश्योर करोगे कि देखो द फर्म असाइन्स इट्स मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट कमर्शियल कंसिडरेशन डू नॉट ओवर रीड द क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म. आपकी जो भी मतलब जो भी आप फर्म असाइन कर रहे हैं मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर रहे हैं, मतलब अपने लोगों को जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर रहा है, वो कमर्शियल कंसिडरेशन मतलब कमर्शियल कंसिडरेशन ओवरराइड नहीं होनी चाहिए क्वालिटी ऑफ द वर्क परफॉर्म. जो भी आप काम कर रहे हो उस पर मतलब वो ओवरराइड नहीं होना चाहिए कोई भी कमर्शियल कंसिडरेशन जो भी आपने खुद से बनाई है. उसके बाद आपका जो फर्म की पॉलिसी एंड प्रोसीजर है एड्रेसिंग द परफॉर्मेंस एवोल्यूशन कंपनसेशन एंड प्रमोशन विद रिगार्ड टू द पर्सनल आर डिजाइन टू डेमोन्स्ट्रेट द फर्म ओवरऑल कमिटमेंट टू द क्वालिटी. आपका जो भी मतलब इसमें सब कुछ एड्रेस कर रहे हो आप, कंपनसेशन भी एड्रेस कर रहे हो, ठीक है, उनके इंसेंटिव्स भी एड्रेस कर रहे हो पर्सनल के, पर्सनल मतलब आपके स्टाफ के, तो वो सब कुछ भी आप देख रहे हो. इसके अलावा द फर्म डिवोट सफिशिएंट रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्ट ऑफ इट्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी. एंड आपको ये भी देखना है कि आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज होने चाहिए. सफिशिएंट रिसोर्सेज यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मतलब आपके स्टाफ की बात हो रही है. आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज होना चाहिए फॉर डेवलपमेंट डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. आपने जो भी पॉलिसी और प्रोसीजर बना तो दिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास सफिशिएंट स्टाफ ही नहीं है उसके लिए काम करने के लिए. नहीं, आपके पास पूरा स्टाफ होना चाहिए, सब कुछ चीज़ें होनी चाहिए. जैसे आप ऑडिट करने जा रहे हो, आपको पता चला कि आपको रिपोर्ट तो बनाना ही नहीं आता, ऐसा नहीं होना चाहिए. आपको सब कुछ आना चाहिए, आपके पास पूरा स्टाफ होना चाहिए जिसको सब कुछ आता हो, ठीक है. इसके बाद टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं पढ़ना, आ जाओ एथिकल रिक्वायरमेंट पे. सेकंड, लीडरशिप क्वालिटी तो हो गई, अब आ जाओ एथिकल रिक्वायरमेंट्स पे. तो एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसके आगे ब्रैकेट में चाहो तो लिख लो इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस. हम यहाँ इंडिपेंडेंस की भी बात करेंगे. वैसे तो इंडिपेंडेंस हम ऐसे 220 में पढ़ेंगे, लेकिन आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर इंडिपेंडेंस का भी जिक्र बहुत बार हुआ है. तो एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है हमारी कंपनी की, तो पहला है द फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसी एंड प्रोसीजर डिजाइन टू प्रोवाइड इट्स रीजनेबल एश्योरेंस देगी. एक तो हम अपने पॉलिसीज ऐसे बनाएंगे कि वो रीजनेबल एश्योरेंस दे रही है. मैं रीजनेबल एश्योरेंस के बारे में आपको बता चुका हूँ. द फर्म एंड इट्स पर्सनल कंप्लाई विद द रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट कंटेन इन द कोड ऑफ एथिक्स इशूड बाय द ICAI. ICAI ने जो प्रोफेशनल एथिक्स निकाले हैं उसको भी हम पूरा एथिकली फॉलो कर रहे हैं, ठीक है. हमारा जो पर्सनल है, हमारा जो स्टाफ है, वो उसको भी फॉलो कर रहा है. ये क्या है प्रोफेशनल एथिक्स, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे. आप इतना समझ लो, एक एग्जांपल दे देता हूँ. जैसे प्रोफेशनल एथिक्स में बताया कि आपको अपनी ऑडिट विद ड्यू डेलिजेंस करनी है, विद केयर करनी है, आपको सतर्क रहना है, आपको अपनी नॉलेज अपडेट करते हुए चलनी है. तो ये करते रहनी पड़ेगी. आप कल को ये नहीं कह सकते कि भैया मैंने ऑडिट में गलती कर दी क्योंकि मैं अपडेटेड नहीं था. क्यों नहीं थे जी, ICAI में लिखा हुआ है, ICAI ने प्रोफेशनल एथिक्स में लिखा हुआ है कि आपको अपडेटेड होना पड़ेगा. आप कल को बच नहीं सकते ये कहकर कि भैया मुझे नॉलेज नहीं थी, ये नए ये इंडियस आ गए, मैं तो पुराना चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने इंडियस नहीं पढ़े तो मेरे से गलती हो गई जी. नहीं, ऐसा नहीं है. इंडियस आ गए तो आपको इंडियस पढ़ने पड़ेंगे. टैक्स में कुछ चेंज आया तो आपको टैक्स का चेंज पढ़ना पड़ेगा. ऑडिट में कुछ चेंज आया आपको वो चेंज भी पढ़ना पड़ेगा. जैसे कि वो आया कि हर आपको अपने डॉक्यूमेंट पे वो करवाना पड़ता है, एक साइन होता है, क्या बोलते हैं उसे, UDIN नंबर जनरेट करना होता है. UDIN होता है, UDIN बोलते हैं कंपनीज में, हम लोग UDIN बोलते हैं. तो UDIN वो सर्टिफिकेट पे साइन करना पड़ता है. आपने कहा मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो किया ही नहीं, मैंने ऑनलाइन जाके देखा ही नहीं, मैं तो आज भी मतलब हाथ से करता हूँ, वो सब नहीं चलेगा, ठीक है. आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा. इसके बाद ये क्या कह रहे हैं, इसके बाद आ जाओ, द कोड एस्टैब्लिश द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स विच इंक्लूड इंटीग्रिटी. आप कोड एस्टैब्लिश द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स विच इंक्लूड इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर,
कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मतलब जो आप अपने अच्छी तरह फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे काम कर रहे हो, आपके अंदर इंटीग्रिटी है, ऑनेस्टी है, ठीक है, अच्छे से आप काम करते हो, ऑब्जेक्टिविटी है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है, आपको सारी नॉलेज है, ड्यू केयर, ये एक ही पॉइंट है। इसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी है, आप अपने क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन सेफ रख रहे हो, प्रोफेशनल बिहेवियर आप वहाँ पर निभा रहे हो, ऐसे ही चलता फिरता बिहेवियर नहीं है आपका, प्रोफेशनल बिहेवियर है। इसके बारे में हम डिटेल में प्रोफेशनल एथिक्स में भी पढ़ेंगे और आगे भी पढ़ेंगे, तो अभी मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, फंडामेंटल प्रिंसिपल शुड बी एम्फेसिस बाय, आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होने चाहिए, एक्शन ऑफ लीडरशिप ऑफ द फर्म, स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दीजिए, अवेयरनेस दीजिए, मॉनिटर कीजिए, मॉनिटर के बारे में अभी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, द प्रोसेस फॉर डीलिंग विद नॉन कम्प्लायंस, अगर कोई नॉन कम्प्लायंस पाया जाता है, ठीक है, अगर आपको अपनी कंपनी में नॉन कम्प्लायंस मिला किसी चीज़ का, तो उसको कैसे केयर करना है वो भी अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, मॉनिटरिंग में ही पढ़ेंगे ये वाला पॉइंट, तो वो आपको देखना है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, ऑब्जर्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, अब इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, इन द एंगेजमेंट इज फाउंडिंग रिक्वायरमेंट, भाई ये आपको देखना पड़ेगा कि आप इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं है, तो फर्म शुड इस्टेब्लिश पॉलिसी, फर्म को एक ऐसी पॉलिसी इस्टेब्लिश करनी चाहिए, ऐसा प्रोसीजर बनाना चाहिए जो देखे कि हम रीजनेबल एश्योरेंस तो दे रहे हैं फर्म में, ठीक है, लेकिन जो हमारा जो पर्सनल है, एक मिनट, मेंटेन इंडिपेंडेंस, जो हमारे लोग हैं वो क्या अच्छी तरह इंडिपेंडेंस बना पा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे 10 पार्टनर हैं, हम ऑडिट करने गए, पता चला 10वें पार्टनर का तो भैया वो डायरेक्टर भाई निकला, ऐसा नहीं होना चाहिए। वेयर रिक्वायरमेंट बाय द कोर्ट सच पॉलिसी एंड प्रोसीजर शुड इनेबल फर्म टू, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, जब मैं छोटी फर्म में गया था तो मेरे को पता चला था जो मेरे सर है ना उनका वो जहाँ ऑडिट कर रहे थे, मतलब हम जिस कंपनी की एक ऑडिट कर रहे थे, मैं नाम नहीं बता सकता, उनका जो मालिक है ना वो सर का कज़न लगता है। अब देखा जाए तो ऐसे तो देखो रिलेटिव तो है, गलत तो है, अब हो रहा है गलत, जो कि मेरे को गलत लगा पर्सनली कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑडिट ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है हम वहाँ की ऑडिट ऐसे ही करते थे, हम अच्छे से करके तो आते थे, बट जो भी गलतियाँ पकड़ी जाती थी वहाँ का चार्टर्ड अकाउंटेंट लास्ट डे हमें बुलाता था, बिठाता था, कहते बताओ क्या क्या गलतियाँ, मैं ठीक कर देता हूँ, एंड मॉडिफाइड तो बहुत दूर की बात है, मतलब वो लोग आपस में हम लोगों को सेटल करना पड़ता था, तो वो गलत है, क्यों करना पड़ता था, क्योंकि भैया हम मॉडिफाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि सर का तो भाई है ना, वो कज़न है, मामा का लड़का, चाचा का लड़का है, ताऊजी का लड़का है, कुछ भी है, नहीं कर सकते थे हम, ठीक है, मॉडिफाई कर ही नहीं सकते, तो ये गलत है, ये गलत प्रैक्टिस है, गंदे सी होते हैं, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे कोई सर्वर नहीं थे ऐसे, ठीक है। तो कम्युनिकेटेड इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट टू इट्स पर्सनल, इसके बाद क्या करते हो, एक मिनट, सच पॉलिसी एंड प्रोसीजर शुड इनेबल फर्म टू, अब आपको क्या करना पड़ेगा इंडिपेंडेंस के लिए, अपने कम्युनिकेट करो इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट टू द पर्सनल, अपने लोगों को बताओ, जैसे आर्टिकल नया नया है उसको नहीं पता ये बातें इंडिपेंडेंस के बारे में, उसको बताओ, कम्युनिकेट करो कि भैया क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंस की। इसके बाद आइडेंटिफाई करो, इवेल्यूएट करो सर्कमस्टांसिस रिलेशनशिप दैट क्रिएट थ्रेट टू द इंडिपेंडेंस, ठीक है, देखो कि कोई ऐसा थ्रेट तो नहीं आ रहा इंडिपेंडेंस पे, वो देखो, अच्छा थ्रेट क्या क्या आ सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी, एंड दोज टेक एप्रोप्रिएट एक्शन लो उसके खिलाफ, एंड दोज थ्रेट आर रिड्यूस्ड टू दोज एक्सेप्टेबल लेवल बाय अप्लाइंग सेफगार्ड्स, अगर कम हो सकते हैं वो थ्रेट तो कम करने की कोशिश करो, अगर नहीं हो सकते तो एप्रोप्रिएट एक्शन लो, और या फिर कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब एप्रोप्रिएट एक्शन तो आपको लेना ही लेना है, कम कर सकते हो थ्रेट को तो कम कर दो, नहीं कम हो रहा तो विड्रॉ कर दो एंगेजमेंट से, ठीक है। इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, वैसे इसमें अभी आएगा, जैसे मान लो क्या हुआ, मेरा जो मतलब मेरा एक पार्टनर है, मैंने देखा कि बहुत टाइम से एक ही ऑडिट कर रहा है, देखा तो वो तो भाई साहब 10 साल से ऑडिट कर रहा है वहाँ पर, उसके तो फैमिली रिलेशन बन चुके हैं वहाँ पर, तो उसको थोड़ी ना भेजना चाहिए मुझे बार बार, जहाँ पर इंडिपेंडेंस खतरे में आ गई ना, पता चला कि भैया उस पार्टनर का, वो जो पार्टनर मेरा जाता है वहाँ पर 10 साल से, उसके तो उस बॉस से इतने अच्छे ताल्लुकात हो चुके हैं, वो दिवाली पे गिफ्ट एक्सचेंज कर रहे हैं, उनके उनके बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, वो तो भाई इतने अच्छे दोस्त बन चुके हैं, तो अब नहीं भेजना उन चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनको एक साथ, मतलब अब किसी और सीए को भेजूंगा मैं। वैसे यहाँ विड्रॉ वाली बात है, उस केस को ऐसे समझ लो कि अगर मेरे को पता चला कि मेरे जो पार्टनर गया हुआ है भाई उसका तो ये रिलेटिव ही है, तो और मुझे पता चला ये मेरे पार्टनर ने मुझे बताया नहीं था, तो पार्टनर के खिलाफ तो मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगा, तो साथ ही साथ उस रिलेटिव को मतलब उधर से भी विड्रॉ कर लूँगा कि ये ऑडिट हमें हम नहीं कर सकते, ठीक है। देर शुड एग्जिस्ट अ मैकेनिज्म इन द फर्म बाय विच एंगेजमेंट पार्टनर प्रोवाइड्स द फर्म विद, एक मिनट ये हम पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट तो है, बस एक मिनट रुकना, नॉन कंप्लायंस ये तो इम्पोर्टेंट था, कम्युनिकेट नहीं, ये रुक जाओ, यहाँ पर रुक जाओ, यहाँ से आ जाओ,
ऑल ब्रीचेज ऑफ इंडिपेंडेंस शुड बी प्रोमिनेंटली नोटिफाइड टू द फर्म फॉर अप्रोप्रिएट एक्शन. इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर दैट इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट आर सेटिस्फाइड. ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है. इसके बाद आ जाओ, एक बार मैं जो बताता जा रहा हूँ ना वो एक बार देखते जाओ, फिर मैं बताता हूँ. एट लीस्ट एनुअली द फर्म शुड ऑब्टेन रिटर्न कन्फर्मेशन ऑफ कंप्लाइंस विद द, ये आ जाओ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है. एंड इंडिपेंडेंस एंड ऑल इज पर्सन रिक्वायर्ड टू बी इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द कोड. ये क्या कह रहा है, देखो हर साल ना आप एक रिटर्न कन्फर्मेशन अपने लोगों से भी ले लो. ये बहुत अच्छा पॉइंट मैं बता रहा हूँ. ऐसा नहीं है कि रिटर्न कन्फर्मेशन अभी हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट से लेते हैं, नहीं, आप अपनी फॉर्म में भी एक रिटर्न कन्फर्मेशन सबसे ले लो. ठीक है, और अपने मैनेजमेंट वाले से भी ले लो, मतलब अब जहाँ पर आप ऑडिट कर रहे हो उनसे भी ले लो कि क्या आपके यहाँ पर हमारे पार्टनर में से किसी के साथ कोई रिलेशन तो नहीं है. हमारे यहाँ से भी ले लो कि भैया आपके साथ आपकी पूरी इंडिपेंडेंस तो है ना, क्लाइंट के साथ ऐसा तो नहीं है आपके पर्सनल रिलेशन है, अगर हैं तो बता दो. वो लिख कर देंगे कि नहीं है. अगर कल को मान लो मिले तो फर्म नहीं फंसेगी, रिटर्न कन्फर्मेशन के बेसिस पे क्लाइंट और मेरा पार्टनर फंसेगा. पार्टनर फंसेगा, पार्टनर को जेल होगी, पार्टनर के साथ जो ICI करेगा या जो लॉ करेगा करेगा, मेरे को कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो. इसलिए रिटर्न कन्फर्मेशन लेना बहुत जरूरी है. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और MCQ के लिए भी इंपॉर्टेंट है. देखो होता क्या है ना, हम ना ऑडिट को लर्न करते, लर्न मत करो, समझो इसको. अगर ये समझ लिया ना पॉइंट, अब आप किसी अच्छी कंपनी में जाओगे, आप बिग फोर में जाओगे या किसी अच्छी कंपनी में गए, बड़ी टॉप 10 कंपनी में, वहाँ पर जैसे ही पार्टनर बनोगे वहाँ पर आप, या फिर स्टाफ में जाओगे तो आपसे साइन करवाएंगे. आप कहोगे यार कितनी अच्छी कंपनी है, रिटर्न कन्फर्मेशन करवा रही है, मैंने तो अपनी ऑफिस में ये सब देखा ही नहीं था. पढ़ लिया ऑडिट में, अब पता चला, अब आपको लगेगा यार ये हमारी बुकिश नॉलेज अलग होती है, प्रैक्टिकल लाइफ तो अलग होती है. देखो वो तो रिटर्न कन्फर्मेशन ले रहे हैं, हमें तो पढ़ाया नहीं था. सब पढ़ाया गया है, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको. ठीक है, आगे चलते हैं. तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर SQC 1 lays special emphasis on familiarity threat. अब familiarity threat के बारे में पढ़ेंगे हम ethical requirement के अंदर ही हैं अभी हम. Familiarity threat में क्या होगा, देखो using the same senior personnel of assurance engagement over a prolonged period. देखो वही पॉइंट आ गया ना कि अगर एक ही बंदे को आप बहुत लंबे टाइम से भेज रहे हो तो यहाँ पर एक familiarity threat बन जाता है. ठीक है, therefore the firm should establish criteria of determining the need of safeguard to address this threat. आपको एक क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि एक सेफ, मतलब कि ऐसा हो तो नहीं रहा है. इन डिटरमाइन अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया टू कंसीडर सच मैटर. आपको ये मैटर्स कंसीडर करने हैं. क्या मैटर्स कंसीडर करने हैं फैमिलिटी थ्रेट में, कि नेचर ऑफ द एंगेजमेंट आप देखो, इंक्लूडिंग द एक्सटेंड ऑफ इन्वॉल्विंग मैटर्स टू द पब्लिक. मतलब जो भी आपको मैटर्स वहाँ पर मिले हैं क्या वो पब्लिक तक जाने जरूरी हैं. द लेंथ ऑफ द सर्विस ऑफ द सीनियोरिटी, वो देखो कितनी लेंथ से, कब से वो काम कर रहा है वहाँ पर, वो जरूर देखो. ठीक है, नॉर्मल पॉइंट्स से ये तो. इसके बाद आ जाओ, बस यहाँ तक ये ख़त्म कर दो, इसके बाद ये अंडरस्टैंडिंग वाला पढ़ने की जरूरत नहीं है. इसके बाद आ जाओ यहाँ पर, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट. ये क्या कह रहे हैं, देखो ये कह रहे हैं, फर्म बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट शुड एक्वायर द वाइटल इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट. एक इन्फॉर्मेशन निकाल लो क्लाइंट के बारे में. सच इन्फॉर्मेशन शुड हेल्प देम टू डिसाइड अबाउट. देखो मैं पहले ना शुरू से बताता हूँ, थोड़ा बता देता हूँ, मैं पढ़ाना शुरू कर दिया. एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट. क्या कह रहे हैं ये, आप क्लाइंट रिलेशनशिप जैसे ही एक्सेप्ट करते हो, मान लो मेरे पास नई ऑडिट आई तो मेरे को क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए वो देखना है. ठीक है, या फिर स्पेसिफिक एंगेजमेंट का यहाँ पर मतलब है वो चारों चीज़ें जो मैंने SQC 1 में पढ़ाई थी. या तो आप ऑडिट दे रहे हो या फिर अदर सर्विसेज दे रहे हो. ठीक है, उनके या हो सकता है आप बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने जा रहे हो या उनका रिव्यू करने जा रहे हो. तो वो अगर तुम कुछ भी करने जा रहे हो, कोई भी सर्विसेज देने जा रहे हो, उसकी बात कही गई है या फिर आपके ऑडिट की बात कही गई है, कोई भी आपके पास क्लाइंट आया तो आपको क्या क्या देखना चाहिए. तो देखो सबसे पहले तो हमें एक्वायर कर लेनी चाहिए कुछ वाइटल इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट. आप एक्वायर कर लो वाइटल इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट. सच इन्फॉर्मेशन शुड हेल्प टू डिसाइड अबाउट. वो इन्फॉर्मेशन क्या हेल्प करेगी आपको, एक तो इंटीग्रिटी बताएगी क्लाइंट की. इंटीग्रिटी मतलब कि क्लाइंट ऑनेस्ट है कि नहीं है, सच्चा है कि नहीं है. प्रमोट करेगी की मैनेजरियल पर्सन क्लाइंट का, उसके प्रमोटर का और उसके की मैनेजरियल पर्सन की इंटीग्रिटी पता कर लो कि वो ऑनेस्ट है कि नहीं है. ऐसे तो नहीं है कि यार वो मेरे को चालबाज लग रहे हैं. तो वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा उनका एनवायरनमेंट देख के, उनकी पॉलिसीज देख कर, ये सब पता चल जाएगा. उनसे बात पर्सनली बात करके भी पता चल जाता है काफ़ी बार लोगों से कि यार ये बंदा कितना डेडिकेटेड है, कितना एथिकल है. ठीक है, इसके बाद कॉम्पिटेंस देखो उसका, कॉम्पिटेंट कितना है, कॉम्पिटेंट टू द परफॉर्मेंस एंगेजमेंट इंक्लूडिंग कैपेबिलिटीज टाइम एंड रिसोर्सेज.
क्या मेरे पास, मतलब क्या मेरे पास उतनी कॉम्पिटेंसी है? ऐसा तो नहीं है मैं कॉन्करेंट ऑडिट मैंने एक्सेप्ट कर ली बैंक की, मेरे पास पता चला कि कोई ऐसा पार्टनर ही नहीं है जिसको करनी आती है, कभी कभी किसी ने करी है, मेरा कोई आर्टिकल, चलो आर्टिकल तो छोड़ो, आर्टिकल तो पार्टनर के बेसिस पे कर लेगा, मेरा कोई पार्टनर ही नहीं है, मेरे फर्म की कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है उसके लिए, कॉन्करेंट के लिए। तो अपनी कॉम्पिटेंसी चेक करो कि क्या आपके पास उतना रिसोर्सेज, टाइम और कैपेबिलिटी है। टाइम की भी यहाँ बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि मेरे को जैसी हायर किया पता चला 2 महीने में ऑडिट रिपोर्ट देनी है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो टाइम मेरे पास लिमिटेड तो नहीं है क्या? भाई टाइम लिमिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइम लिमिटेड हो, कम टाइम हो तो आप कैसे ऑडिट को परफॉर्म कर पाओगे? जल्दी जल्दी करोगे तो गलतियां करोगे। कैपेबिलिटी है कि हम में नहीं है, नॉलेज है कि नहीं है उस क्लाइंट के नेचर के लिए, ठीक है, कि क्लाइंट का नेचर क्या है। मान लो हम फार्मास्यूटिकल की ऑडिट करने जा रहे हैं, पता चला है हमें फार्मास्यूटिकल की हमें नॉलेज ही नहीं है, या फिर हमें जल्दी से नॉलेज गैदर करनी है, तो करो भाई कैसे भी करो। इसके मैं कुछ और एग्जांपल भी देना चाहता हूं बट टाइम लग जाएगा। कंप्लाइंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट, एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाइंस करना है आपको, ठीक है, ठीक है। एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है कि आपके जितने भी प्रोफेशनल एथिक्स हैं, ठीक है, या फिर आपके, अभी मैंने एथिकल रिक्वायरमेंट्स पढ़ाए, आपकी इंडिपेंडेंसी है, आपको ये देखना है, प्रोफेशनल एथिक्स हैं, ये सब आपको देख के चलते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, ये तीनों तो मैंने पढ़ा दिए। The firm should obtain such information as it considers necessary in circumstances before accepting the new client. ठीक है, इसको छोड़ दो। Where they should identify, एक मिनट, आप आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे देखो, इफ देयर एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द फर्म एंड क्लाइंट, अगर फर्म और क्लाइंट में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, इट शुड बी प्रॉपरली रिजॉल्व, वो प्रॉपरली रिजॉल्व होना चाहिए। जैसे ही मैं देखो एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अपनी ऑडिट एंगेजमेंट, पता चला कि मुझे ये डिफरेंसेस लग रहे हैं, तो उसको प्रॉपरली रिजॉल्व कर लो बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट। मतलब ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब होता है जहाँ आप ऑडिट करने जा रहे हो, तो वो एंगेजमेंट, वो एग्रीमेंट एक्सेप्ट करने से पहले आप एक बार ये एग्रीमेंट की जगह आप एंगेजमेंट समझ लो, मतलब हम थोड़ा प्रोफेशनल वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो क्या हुआ, आपने एक्सेप्ट करने से पहले आप प्रॉपरली उसको रिजॉल्व कर लो, जो भी आपका मतलब कॉन्फ्लिक्ट है, आपको कोई दिक्कत लग रही है, पहले ही रिजॉल्व कर लो एक्सेप्ट करने से पहले। ऐसा नहीं कि आप एक्सेप्ट करने के बाद ये सब कर रहे हो, नहीं, पहले ही कर लो। द फर्म ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉस्ट टू डिक्लाइन द एंगेजमेंट इन अर्लियर पॉसिबल। एक मिनट रुकना, इसमें हाँ ये वाला पॉइंट कर लो। इसमें क्या है, वेयर द फर्म ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट हैव कॉस्ट टू डिक्लाइन द एंगेजमेंट इफ ओपन अर्लियर इन्फॉर्मेशन दैट इट कॉस्ट टू डिक्लाइन इज अर्लियर द पॉलिसी एंड कंटिन्यूस एंड क्लाइंट रिलेशन इंक्लूड कंसीडरेशन। देखो कभी कभार क्या होता है, अब हमने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करने के बाद हमें कुछ ऐसा पता चला, अगर वो हमें पहले पता होता तो हम डिक्लाइन ही कर देते, मतलब हम एक्सेप्ट ही नहीं करते ऑडिट एंगेजमेंट, ऐसी कोई बात हमें बाद में पता चली। तो बाद में पता चली तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उस वक्त क्लाइंट रिलेशन, एक मिनट, तो हमें उस वक्त ये सब चीज़ें करनी चाहिए जो मैं अब पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप बात को समझ गए। कि अगर हमें ये बातें पहले पता होती तो हम एक्सेप्ट ही ना करते इस ऑडिट को, लेकिन अब बाद में पता चली, अब तो एक्सेप्ट कर लिया, तो हमें अब क्या क्या करना चाहिए। अब आप प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि आप देखो कि ये पॉइंट है ना, पहले क्यों पढ़ाया इसको, चलो मैं पहले मैं ऐसा करता हूँ, एक मिनट रुको, मैंने आपको ढंग से बताता हूँ। हाँ, ये सारे पॉइंट्स एक साथ पढ़ने हैं आपको, ये जितने भी इसने बोला ना कि आपको क्या क्या करना चाहिए, अब आपको बाद में पता चला, तो ये ए बी और इसके आगे ये चारों पॉइंट्स भी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर नंबरिंग डाल लो। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको ने डिस्कस करना चाहिए TCWG के साथ, क्लाइंट्स मैनेजमेंट के साथ, और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस मतलब समझ लो एक तरीके से कंपनी का CEO, मतलब जो बड़े बड़े लेवल के लोग होते हैं ना, उन लोगों से। तो मैनेजमेंट से डिस्कस करो, या फिर अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब जो सही तरीके का मैनेजमेंट है, जैसे कि हमारा ऐसा नहीं कि अकाउंटेंट से बात करने लगे कि भैया ये गलत है, नहीं, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। आप मान लो वहाँ के मैनेजर से बात कर रहे हो, ठीक है, मैनेजर से बात कर रहे हो, या TCWG में आप उसके CEO हो गया, या फिर MD हो गया, जो भी हाई लेवल पे बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है आपका, अगर बहुत बड़ी कंपनी होगी तो CEO आपको इतना एंटरटेन नहीं करेगा छोटी छोटी बातों के लिए, लेकिन छोटी कंपनी होगी तो CEO देखेगा आपको छोटी छोटी बातों को, ठीक है। तो डिस्कस करो उनके साथ कि भैया देखो मेरे को ऐसी ऐसी चीज़ें मिली हैं, अगर पहले मिलती तो मैं सच में आपकी ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करता। इसके बाद दूसरा पॉइंट आप बनाओ,
इसी को ही द फर्म डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट टू विड्रॉल, फर्म डिटरमाइन करेगी कि अप्रोप्रिएट टू विड्रॉल। एक मिनट, इसमें है कि वही पॉइंट दोबारा से रिपीट किया हुआ है कि वही मतलब आप उन लोगों को बताओ, क्लाइंट्स के मैनेजमेंट को बताओ, TCWG को बताओ और रीज़न बताओ। पहले पॉइंट में रीज़न की बात नहीं कही गई थी, दूसरे पॉइंट में बोल दिया कि रीज़न भी बताओ कि क्यों आप विड्रॉ कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप विड्रॉ कर रहे हो, हाँ ठीक है हम तो विड्रॉ कर रहे हैं जी बाय। देखो ऑडिट में ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये ईजी है, ये लर्न करना भी ईजी है, पेपर में लिखना भी ईजी है। कितनी ईजी चीज़ बोल रही है आप बताओ, मेरे को गलती मिली क्या, मैं मैनेजमेंट को बताऊँगा नहीं कि देखो ये तो आपने पहले बताया ही नहीं था मुझे, अगर आप ये पहले बताते तो मैं आपको एक्सेप्ट ही नहीं करता, या आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे। तो पहले मैं मैनेजमेंट को बताऊँगा, फिर मैं TCWG को जाके बताऊँगा कि ये क्या है भाई, और फिर मैं उसको रीज़न बताऊंगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, तो रीज़न तो बताऊंगा ही ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो आपको ऐसे ऐसे पॉइंट याद करने हैं। देखो तो कितनी इजी लैंग्वेज में लिखा है, जो यहाँ लिखा है सेम यहाँ लिख कर रीज़न लिखा गया यहाँ, ठीक है। तीसरा यहाँ पर आया, ये बहुत अच्छा पॉइंट लगता है मुझे, तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर देखो चेक करो वेदर वेदर क्या प्रोफेशनल या लीगल रिक्वायरमेंट है आपकी रिमेन इन द प्लेस, कि आपको वहाँ रुकना ही पड़ेगा, ऑडिट कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। अगर ऐसा है तो वहाँ पर बैठ के ऑडिट कंप्लीट करो, विड्रॉ मत करो, और अपना जो भी मतलब रीजंस हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें कि आपका जो भी रीज़न था विड्रॉल का वो आप अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताओ। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने TDS का कंप्लाइंस ही नहीं किया, अगर पहले पता होता कि कंपनी TDS का कंप्लायंस ही नहीं करती, टैक्स को बहुत बचाने के लिए दोगलापन कर रही है। एक होता है टैक्स को बचाना एथिकल तरीकों से, ठीक है, प्रोविजंस का यूज़ करके वैसा कर रही है तो ओके। अगर मान लो ये एथिकल तो छोड़ो, ये लोग पता नहीं क्या घपले कर रहे हैं कि भाई साहब बहुत दिमाग लगा के, तो हमने पकड़ दिए तो हम मॉडिफाई कर देंगे रिपोर्ट को, लेकिन ये घपले कर रहे हैं बेवकूफ़ी वाले, TDS नहीं भर रहे, GST नहीं भर रहे, ठीक है, बोल रहे हैं जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है, नकली नकली चीज़ें बना रहे हैं, मतलब ऐसे कपड़े कर रहे हैं जो कि इजीली पकड़े जाएं। तो भैया यहाँ तो हम विड्रॉ तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ऐसी फॉर्म में हमें काम ही नहीं करना। दूसरा, हम जाके इनकम टैक्स को भी बताएंगे कि देखो ऐसा हो रहा है, ठीक है। इनकम टैक्स ने कहा कि रुक जा, तो ऐसा कर, उधर ही बैठ के काम कर, रिमेन इन द प्लेस, उधर ही बैठ के काम करो, जो भी तेरा रीज़न था ना विड्रॉ करने का वो भी बता दे। मैंने कहा यहाँ पर TDS कंप्लायंस नहीं हो रही है, ये रीज़न था मेरा। तो वो कह रहे कि कोई नहीं, तू अपना पूरा काम कंप्लीट कर, ठीक है, जिससे कि हम देखें तो कि और क्या क्या घपले हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाओ फोर्थ पॉइंट, डॉक्यूमेंटेशन का। तो डॉक्यूमेंटेशन सिग्निफिकेंस इश्यूज कंसर्निंग, तो इसको ना आपको डॉक्यूमेंट भी करना है, ये सारी चीज़ें सिग्निफिकेंट जो भी इश्यूज हैं, कंसल्टेशंस हैं, कंक्लूजन्स हैं, मतलब आपकी पूरी ऑडिट में जो भी आपकी ये चीज़ें हैं आपको इसको डॉक्यूमेंट भी करना है, ठीक है। ठीक है, ये चारों पॉइंट आपको लिखने हैं डॉक्यूमेंट, ये तो एक मतलब एडिशनल पॉइंट नहीं, आप इसके साथ ही समझ लो कि यार डॉक्यूमेंट तो ये सब कुछ करना ही है जो भी ये चीज़ें आ रही हैं। तो ये सारा हो गया, ठीक है। ये जो दोनों पॉइंट थे ये मत करना नीचे वाले, अब ये चारों पॉइंट तो कर लेना याद, ठीक है। और क्या ये इम्पॉर्टेंट था, तो हाँ पेपर के लिए ये इम्पॉर्टेंट था। आपको क्या करना है, पेपर में अगर ये एक्सेप्टेंस वाला आ गया तो आपको ये लिख कर आना है, ठीक है, जो मैंने मार्क करवाया था। ये नीचे वाला नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे ये जो मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर आपको डिक्लाइन करने की ज़रूरत है तो डिक्लाइन कर दो, ये वाला। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे ये चार पॉइंट, तो ये आपको पेपर के लिए याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट मार्क करवा देता हूँ, ठीक है। एक मिनट, मैं पेंसिल लेकर आया हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आ जाओ ह्यूमन रिसोर्सेज पे। देखो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या कहता है, अब ह्यूमन रिसोर्सेज से हम क्या समझते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब है हमारा खुद का स्टाफ। तो देखो सबसे पहले तो हमें ये देखना है, द फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसी एंड प्रोसीजर डिजाइन टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस, वही लाइन रिपीट करी है, ठीक है, हमें रीजनेबल एश्योरेंस देकर आना है, और ये मतलब हमें ऐसे डिज़ाइन करने हैं अपने प्रोसीजर ताकि हम एक रीजनेबल एश्योरेंस दे पाएँ, ठीक है। दैट इट इज़ सफिशियंट पर्सनल विद द कैपेबिलिटीज, ये मार्क करो, सफिशियंट पर्सनल होना चाहिए हमारे पास, ठीक है, सफिशियंसी होनी चाहिए, कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए उसके अंदर, कॉम्पिटेंस होनी चाहिए हमारे स्टाफ के पास, कमिटमेंट टू द एथिकल प्रिंसिपल्स एंड नेसेसरी टू परफॉर्म द एथिकल अकॉर्डिंग्स विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी टू द लीगल रिक्वायरमेंट्स इनेबल द फर्म टू एक मिनट पार्टनर टू इशू रिपोर्ट्स दैट आर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस, ठीक है, यहाँ तक मार्क कर लो। फिर इसके बाद है सच पॉलिसी एंड प्रोसीजर शुड एड्रेस द रेलिवेंट HR इशूज इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट, कंपनसेशन, ट्रेनिंग, करियर डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, देर शुड बी एम्फेसिस ऑन कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल रिलेशनशिप, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ फर्म्स पर्सनल,
तो ये सारी चीज़ें आपको अपने पर्सनल में चेक करनी है। आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ समझाने की जरूरत है, सिंपल सी चीज़ें बोल रहे हैं कि आपको ये भी देखना है रिक्रूटमेंट, उनकी कंपनसेशन, ट्रेनिंग, करियर, मतलब आपको सब कुछ चीज़ें देखनी है अपने यहाँ की स्टाफ की। ऐसा नहीं है कि आप ऑडिट करने गए गए भाई अपना मैनेजमेंट भी तो देखोगे ना। तो ये सारे हम SQC 1 के अंदर ही पढ़ रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये एक बार रीड कर लेना, आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, ये बहुत ईजी था कि यार अपनी ही चीज़ें हैं। मैंने ये छोटी छोटी चीज़ें बीकॉम वाली लेवल की समझाऊंगा नहीं, मतलब जो इजी इंग्लिश है उसको नहीं समझाऊंगा, कोई टेक्निकल चीज़ आएगी तो समझाऊंगा, वैसे यार इजी को भी चलो समझा देता हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है। द फर्म शुड असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ईच एंगेजमेंट टू एन एंगेजमेंट पार्टनर, ईच एंगेजमेंट टू एन एंगेजमेंट पार्टनर। जो फर्म को ना असाइन करनी पड़ेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ईच एंगेजमेंट पार्टनर को, क्या क्या। द फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसी एंड प्रोसीजर रिक्वायरिंग दैट द आइडेंटिफाई द रोल ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर, एंगेजमेंट पार्टनर का क्या रोल है। कम्युनिकेट करना पड़ेगा की मेंबर्स ऑफ द क्लाइंट्स मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस। इसका क्या मतलब है, देखो हमारी तरफ से कितने पार्टनर्स जा रहे हैं उस कंपनी की ऑडिट करने, बड़ी कंपनी है हमारे यहाँ से 3-4 पार्टनर्स जा रहे हैं, तो भाई 3-4 पार्टनर्स का ना हमें बताना पड़ेगा उस कंपनी को कि देखो ये जो हमारा पार्टनर आ रहा है ये क्या करेगा, ये आपकी ऑडिट करेगा, ये आपका ऑडिट में ये एरिया चेक करेगा, ये वाला जो पार्टनर है ये बस रिपोर्टिंग का काम करेगा। तो ये बात हमें कंपनी के जहाँ हम ऑडिट करने जा रहे हैं उनके TCWG मतलब दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस और मैनेजमेंट को बताना बहुत जरूरी है। उनको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये कौन बंदा उठ के आ गया, कल को तो ये आया था, परसों ये आ गया, ये क्या हो रहा है भैया। पहले से बताओ कि ये काम करेगा, ये काम करेगा, आपको ऐसे ऐसे इनको असिस्ट करते हुए चलना है, आपको ऐसे ऐसे इनको हेल्प करते हुए चलना है। दूसरा है एंगेजमेंट पार्टनर हैज टू एप्रोप्रिएट कैपेबिलिटीज कॉम्पिटेंस अथॉरिटी एंड टाइम टू परफॉर्म द रोल। हमें देखना है कि हमारा जो एंगेजमेंट पार्टनर है ना उसके पास सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, कॉम्पिटेंस है। अगर कॉन्करेंट ऑडिट आई है तो हमें देखना है कि उस पार्टनर को भेजना है कि जिसको कॉन्करेंट ऑडिट करना आता है, उसके साथ बच्चे भेज दिए हमने, मतलब आर्टिकल्स भेज दिए, उसके अंदर कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, अथॉरिटी उसके पास होनी चाहिए और उसके पास टाइम भी होना चाहिए प्रॉपर टू कम्प्लीट दैट रोल, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर आर क्लियरली डिफाइंड, हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियरली डिफाइन कर देंगे एंड कम्युनिकेट कर देंगे पार्टनर को बता देंगे कि तेरी क्या क्या है। अरे इधर है ना, मैं एक और पॉइंट जोड़ना चाहता हूँ, मेरे को याद आ गया, द आइडेंटिफाई द रोल ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर टू कम्युनिकेट विद द की। यहाँ पर क्या होता है, एक और एग्जाम्पल था, जैसे मान लो छोटी कंपनी है, अब एक ही पार्टनर गया है वहाँ पर, मैं ही गया हूँ, मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ, मैं ही गया हूँ, तो वहाँ भी मैं उधर कम्युनिकेट करूँगा कि मेरा क्या रोल है। मेरा रोल है कि मैं आपके यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एक एश्योरेंस देने आया हूँ। कैसा एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस दे के आया हूँ, कॉन्क्रीट एश्योरेंस नहीं देने आया, रीजनेबल एश्योरेंस देने आया हूँ, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर मैं ओपिनियन दूंगा। तो ये सब भी बताना पड़ता है उनको, ठीक है। देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो लॉ के हिसाब से आपको एज अ ऑडिटर अपॉइंट कर लिया, लेकिन आपका पूरा काम है जो भी आप यहाँ ऑडिट में पढ़ रहे हो वो उनको भी बताना कि मेरा असली काम क्या है। मेरा काम ओपिनियन देना है, ठीक है, रीजनेबल एश्योरेंस देना है, आपको हर एक चीज़ उनको डिटेल में बतानी है, कैसे क्या बतानी है, आप क्या कर सकते हो इसके लिए, मैं आपको इसी चैप्टर में चलो बता दूंगा। वैसे है ना, देखो आपको अगर रट्टाफिकेशन CA बनना है तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ लो, जो मैं आपको एक्टिविटी दे रहा हूँ ना अगर आपने कर ली दिन के 5 मिनट में, रील्स की जगह आज ये कर लेना, किसी भी कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट निकालना, उसमें देखना वहाँ पर है ना मैनेजमेंट सॉरी ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उस पैराग्राफ को एक बार पढ़ना, उससे आपको पता चलेगा कि ऑडिटर खुद बता के आता है कि मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। शुरू में ही मिलेगा आपको दूसरे तीसरे पैराग्राफ में, तो वो एक बार देखो, एक बार पढ़ो, ठीक है, आपको पता चलेगा। तो एक बार आज रील्स की जगह ये पढ़ लेना, अगर आपको रट्टाफिकेशन CA बनना है तो मत पढ़ना, छोड़ दो, ये होमवर्क आपके लिए नहीं है। आपको अगर अच्छा CA बनना है तो कर लेना, वो आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। इसके बाद आ गया एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस ये पॉइंट यहाँ पर छोड़ दो। इसके बाद आ गया एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, देखो एंगेजमेंट की अब परफॉर्मेंस कैसे होगी, तो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में 3 चीज़ें याद रखो, एक है डायरेक्शन, लिख लो यहाँ पर डायरेक्शन, एक है परफॉर्मेंस, एक है सुपरविजन। आपको पहले तो डायरेक्शन देनी है कि कौन क्या काम करेगा, कौन सा आर्टिकल क्या काम करना है, ठीक है, डायरेक्शन देनी है, फिर वो परफॉर्मेंस करेंगे, फिर उनके काम को सुपरवाइज करना है, यही चीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे। अब चलो पढ़ते हैं, देखो कंसिस्टेंसी इन द क्वालिटी ऑफ एंगेजमेंट परफॉर्मेंस इज अचीव थ्रू ब्रीफिंग ऑफ एंगेजमेंट टीम्स ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उनको ब्रीफ करो कि क्या उनके ऑब्जेक्टिव हैं, क्या प्रोसेस है, उनको कंप्लाइंग विद एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स प्रोसेसेस एंगेजमेंट सुपरविजन ट्रेनिंग मैथड्स ऑफ एंगेजमेंट, ठीक है, हमने उनको बता दिया।
उसके बाद है कंसल्टेशन डिफिकल्ट कॉन्टीन्यूस मैटर्स, कंसल्टेशन शुड टेक प्लेस इन डिफिकल्ट और कॉन्टीन्यूस मैटर पर्टेनिंग टू द एंगेजमेंट। इसका क्या मतलब है, अगर मान लो कोई डिफिकल्ट मैटर्स है तो उस पर एक कंसल्टेशन होनी चाहिए, ठीक है, तो वो मतलब कंसल्टेशन करेगा। जैसे मान लो मैं मेरा आर्टिकल गया वहाँ पर, उसको ऐसा कोई मैटर मिला जो कि बहुत डिफिकल्ट है या बहुत कंटेशियस है, मतलब उसको ऐसा लग रहा है ये तो बहुत मुश्किल, तो आके सही पार्टनर के साथ वो डिस्कस कर लेगा, ठीक है। मान लो टैक्स का कोई पॉइंट मिल गया, तो आके उसने देखा कि मेरे यहाँ पर एक पार्टनर है जो टैक्स में डील करते हैं, मैं उनसे डिस्कस कर लेता हूँ, तो नॉर्मल पॉइंट है। यहाँ पर आपको पढ़ के ऐसा लगेगा कि ये क्या लिख दिया, लेकिन आपको मतलब पता होगा ना, तो आप बहुत ईजिली इसको लर्न कर सकते हो। ऑडिट कोई रटने की चीज़ नहीं है, आपको लर्न हो जाएगा। आप देखो मैंने बता दिया, अब आप इसको पढ़ो, इजीली लर्न हो जाएगा आपको, सिंपल है। इसके बाद क्या है, ये वाला पॉइंट आप एक बार पूरा पढ़ लेना, इसमें ये मार्क करते हो। चलो कहाँ गया, मैं पूरा ही पढ़ देता हूँ। कंसल्टेशन इंक्लूड डिस्कशन, आप कंसल्टेशन में क्या क्या होगा, एक तो डिस्कशन होगी विद द एप्रोप्रिएट प्रोफेशनल लेवल, मैंने यही बताया, सही बंदे से बात करोगे, विद द इंडिविजुअल विद इन और आउटसाइड द फर्म। हो सकता है आपको आउटसाइड द फर्म से भी रिक्वायरमेंट पड़ जाए, मान लो मैं ही पार्टनर हूँ, मैं ऑडिट करने गया, मुझे पता चला इस चीज़ से रिलेटेड मुझे नहीं पता, मतलब जैसे मैंने चेक किया यहाँ पर ग्रेचुटी मुझे भी कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा तुमने ग्रेचुटी एक्चुरियल से बनवाया था, उन्होंने कहा नहीं जी हमारा जो HR है वो MBA है वो खुद ही बना देता है। मैंने कहा भाड़ में जाए तुम्हारा HR, मेरे को गलत लग रही है ये ग्रेचुटी रिपोर्ट, मैंने अपना एक्चुरियल हायर किया और उससे हेल्प ले ली, ठीक है, जिसको भी स्पेशल, ये देखो वही लिखा है स्पेशलाइज एक्सपर्टीज हो, अब आपको पढ़ने में दिक्कत ही नहीं आएगी, मैंने एग्जांपल दे दिया। टू रिजॉल्व द डिफिकल्ट और कंटीशियस मैटर, ठीक है, इट हेल्प्स टू प्रमोट क्वालिटी एंड इम्प्रूव एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। कंसल्टेशन प्रोसीजर रिक्वायर कंसल्टेशन विद दोज हैविंग एप्रोप्रिएट नॉलेज, भाई उन्हीं से ही करोगे ना, अब या तो अपने सीनियर से करोगे या एक्सपीरियंस विद इन द फर्म करोगे, आउटसाइड द फर्म करोगे, वही बात लिखी है। और सिग्निफिकेंट टेक्निकल एथिकल एंड अदर मैटर अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन इंप्लीमेंटेशन एंड कंक्लूजन रिजल्टिंग फ्रॉम द कंसल्टेशन, जो कि भी आपकी कंसल्टेशन से जो भी आपका आउटपुट निकला है तो उसको है ना डॉक्यूमेंट भी करोगे आप और उसको इम्प्लीमेंट भी करोगे, भाई इम्प्लीमेंट तो करोगे। देखो कितनी छोटी छोटी बातें लिखी हैं यार, मतलब ये लर्न कितनी आसानी से हो जाएगा। देखो क्या हुआ, अब मैंने कंसल्ट किया, जो भी मेरे को प्रॉब्लम आई थी, मैं आर्टिकल हूँ, मेरे को जो भी आर्टिकल हूँ या मैं पार्टनर हूँ, मेरे को जो भी कंसल्टेशन किया मैंने अपनी इंटरनल फर्म से या बाहर के बंदे से पूछने, एक्सपर्ट हायर कर लिया, एक्चुरियल हायर कर लिया, लॉयर हायर कर लिया, ठीक है, उससे मैंने कंसल्टेशन कर दी, अब उस कंसल्टेशन को मैं कहीं लिखूंगा ही ना, मैं भगवान तो हूँ नहीं कि मैंने जो पढ़ा सुना याद कर लिया जिंदगी भर याद रहेगा, मैंने डॉक्यूमेंटेशन किया, और डॉक्यूमेंटेशन हम करते हैं अपने वर्किंग पेपर्स में, डॉक्यूमेंटेशन किया, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट भी किया, उसने जो जो बोला था कि भाई देख मैं ये चेक कर रहा हूँ इनका, ये सही है, तू सही कह रहा था, ये गलत है, तो मैं लिख लूंगा ये सारी चीजें, और फिर मैं उसको इंप्लीमेंट भी करूंगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अगर मुझे मॉडिफाई करना चाहिए तो मुझे मॉडिफाई करूंगा वहां पर अपनी रिपोर्ट को, ठीक है, और वैसे ही अपना कंक्लूजन दूंगा। भाई कितना सिंपल लिखा हुआ है यार, मैं सच बता रहा हूं, अगर मैं इसको ऐसे ही पढ़ के जाऊं ना पेपर में तो रट्टा ही मार के रट्टा लिख के आऊंगा, लेकिन अब मुझे समझ आ गया तो मैं लिख सकता हूं पेपर में अच्छा खासा एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के ऊपर, क्यों, क्योंकि मुझे समझ आ गया, पॉइंट्स ऐसे याद करो। इसके बाद क्या कह रहे हैं, अ फर्म नीडिंग टू कंसल्ट एक्सटर्नली फॉर एग्जाम्पल, देखो एक्सटर्नली का इसने एग्जाम्पल भी दे दिया, मैंने पहले ही बता दिया था फिर भी ये दे रहे हैं, अ फर्म विदाउट अप्रोप्रिएट इंटरनल रिसोर्सेज मे टेक एडवांटेज और एडवाइसी सर्विसेज बाय अदर फर्म्स। अगर आपको लगता है कि आपकी फर्म में वो लोगों को उस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो अदर फर्म से पूछ लो या किसी प्रोफेशनल से पूछ लो, ठीक है, या फिर रेगुलेटरी बॉडीज से पूछ लो। कंप्लीट एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उसकी बनानी पड़ेगी आपको, जो भी आपका कंसल्टेशन का रिजल्ट आया है उससे, ठीक है। तो ये बात तो हमने पढ़ ली थी, बस ये खत्म हो गया यहाँ पर, बस इतनी छोटी सी बात थी। इसके बाद आ जाओ एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर पे, ये अलग पॉइंट है, ठीक है, SQC 1 के अंदर हम आगे आ गए हैं। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर क्या होता है, देखो आज मैं आपको बताता हूँ, कई बच्चे इसमें गलतियाँ करते हैं, काफ़ी टीचर्स को भी मैंने देख लिया, मैं नहीं बताऊंगा वो क्या गलती करते हैं, मैं आपको जैसे पढ़ाऊंगा वैसे लर्न कर लो, समझ आ जाएगा। मैं ऑडिट करने गया, ठीक है, मेरे यहाँ पर मान लो 10 पार्टनर है, मैं ऑडिट करने गया, मैं नहीं, चलो मैंने ए को ऑडिट करने भेजा, वो ऑडिट करके आ गया, मैंने बी को बोला, मैंने कहा एक बार इसका काम ऊपर से चेक कर ले, क्या इसने सही किया है सब कुछ। मैं एक ऐसा पर्सन रखूंगा, और रखना चाहिए, मतलब देखो यहाँ पर आपको ऑडिट की बुक बोल रही है कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होना चाहिए,
आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको इसने बोल दिया, आपने लर्न कर लिया, पेपर में लिख दिया। नहीं, रियल लाइफ में करो इस चीज को। क्यों करो? आपको अभी समझ आएगा, आप भी कहोगे हाँ यार करना तो चाहिए, बात तो बिल्कुल सही लिखी है। और यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं होगा, आप कहोगे कि यार ऐसा तो नहीं है हमारा सीए करने जाएगा ऑडिट, फिर उसको कोई रिव्यू करेगा तो वो कहेगा कि भाई मैंने क्या कोई गलती कर दी थी जो तू रिव्यू कर। नहीं, गलती की बात नहीं होती। रिव्यू इसलिए करना होता है क्योंकि अपने आपसे भी गलती हो सकती है एज ए ह्यूमन। तो कल को वो काम करेगा तो आप रिव्यू करोगे। रिव्यू करना बहुत जरूरी है, आपसे तालमेल बहुत जरूरी है। बिग फोर में ये होता है, टॉप 10 कंपनीज में होता है, छोटी कंपनियों में नहीं होता है, होना चाहिए। और मान लो आप अगर मान लो सिंगल हो तो आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कोई बड़ी ऑडिट करने जा रहे हो, आपको लगता है रिव्यू करना चाहिए, तो आप एक्सटर्नल रिव्यूअर को हायर कर लो, वो रिव्यू कर लेगा आपके काम को। अब आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंट जजमेंट्स मेड इन द एंगेजमेंट शुड बी रिव्यूड बाय द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। एक रिव्यूअर होगा, वो ये सब कुछ देखेगा। और टेकिंग द ऑब्जेक्टिव व्यू बिफोर रिपोर्ट इज इशूड। रिपोर्ट इशू करने से पहले पहले ही सारा काम चेक करेगा, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ रिव्यू डिपेंड्स अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी। किस हद तक वो चेक करेगा काम को, वो डिपेंड करेगा कि आपका कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ठीक है, काम की रिस्क कितना है आपके काम में, किस डेप्थ में वो चेक करेगा, वो इस पर डिपेंड करता है आपका काम कितना कॉम्प्लेक्स है, आपके काम में कितना रिस्क है, ठीक है। द रिव्यू डज नॉट रिड्यूस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर। इसका ये मतलब नहीं है कि रिव्यू हो गया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई। अगर कल को आप कोई गलती करके आए ऑडिट में और रिव्यू हो गया, फिर भी अगर वो गलती पकड़ी गई तो आपकी जिम्मेदारी होगी। आप ये नहीं कह सकते यार आपने तो रिव्यू करवाया था, आप तो रिव्यूअर को भी पकड़ो। रिव्यूअर पकड़ा नहीं जाएगा भैया, रिव्यूअर का काम था ऊपर ऊपर से देखना, आपका मेन ड्यूटी है। ये पॉइंट एमसीक्यू के लिए मार्क कर लो, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू इज मैंडेटरी फॉर ऑल ऑडिट्स। भैया एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू आपको करवाना ही करवाना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है फॉर ऑल ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। लिस्टेड एंटिटी के केस में आपका मैंडेटरी है, इसको भी एमसीक्यू के लिए मार्क कर लो, ठीक है। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर एंगेजमेंट फॉर्म शुड डिवाइस क्राइटेरिया टू डिटरमाइन केस रिक्वायरिंग परफॉर्मेंस ऑफ क्वालिटी, एक मिनट, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। जो आपका क्या नाम है, अदर एंगेजमेंट्स हैं, ठीक है, उसमें आप अपना डिटरमाइन कर लो कि किस तरह आपको करवाना है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आपको यहाँ पर मैंडेटरी करवाना ही करवाना पड़ेगा लिस्टेड कंपनी के केस में। ये आप इंपॉर्टेंट मार्क करते हो, चलो ठीक है। मुझे बस एक मिनट दो, मैं अपने नोट्स में कुछ देख रहा हूँ। हाँ, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। An engagement quality control review of audit of financial statement of listed entity include considering the following. अब आपको क्या क्या देखना है, आप listed, ठीक है, quality control review तो कर रहे हो, अब as a reviewer आपको क्या क्या देखना है वो देख रहा हूँ, ठीक है। अब आप रिव्यूअर हो, आप किसी का काम चेक कर रहे हो। द एंगेजमेंट टीम इवोल्यूशन, आप टीम का इवोल्यूएट करो। द फर्म की इंडिपेंडेंस चेक करो। सबसे पहले तो भैया फर्म की इंडिपेंडेंस चेक करो कि भाई ये जो काम करने गया था ये कंपनी के साथ इंडिपेंडेंट तो है ना, ऐसा तो नहीं 10 साल से यही बंदा काम कर रहा है। पढ़ाया था ना मैंने फैमिली थ्रेड में, फैमिली थ्रेड का क्या मतलब था, फैमिली रिलेशन बन गए हमारे क्लाइंट के साथ, तो ऐसा तो नहीं है, ये इंडिपेंडेंट तो है ना, इसका कोई भाई बंधु तो नहीं है वहां पर की मैनेजमेंट में, तो ये चेक कर लेना सबसे पहले तो। उसके बाद सिग्निफिकेंट रिस्क चेक कर लेना, ठीक है, और उसके क्या रिस्पॉन्सेज थे। देखो आपको ये भी चेक करना है कि क्या रिस्क थे और रिस्पॉन्स उसने कैसे किए, जो हमारा पार्टनर गया था चेक करने के लिए उसने क्या रिस्पॉन्स किए। अच्छा, ये रिव्यू है ना, एक पार्टनर भी कर सकता है। ऐसा हो सकता है कि मेरे आर्टिकल्स गए काम करने के लिए, अब पार्टनर रिव्यू कर रहा है ये सारा का सारा, मतलब उनका जो बॉस है जो उस ऑडिट पे था वो एक बार काम को रिव्यू कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि भाई आर्टिकल से जाके काम कर रहा है, भाई हो गई ऑडिट, नहीं ऐसा नहीं होता। एक बार रिव्यू करना पड़ता है उनके बॉस को, तो ये बॉस रिव्यू कर रहा है। इसके बाद जजमेंट्स मेड पर्टिकुलरली विद द मटेरियल सिग्निफिकेंट रिस्क। कोई कोई मटेरियल और सिग्निफिकेंट रिस्क उनको मिला और उन्होंने अपने खुद के जजमेंट्स लगाए, तो वो जजमेंट सही है कि नहीं वो चेक करेगा। वेदर अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन हैव बीन टेकिंग प्लेस इन द मैटर, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और अदर डिफिकल्टी कंटीन्यूस मैटर। तो ऐसा कोई अगर मतलब कोई ऐसा मैटर था जिसमें ओपिनियन डिफर कर रही थी, तो क्या उसके लिए, उस मैटर के लिए इन्होंने एक्सपर्ट से बात करी कि नहीं करी, और उसमें क्या कंक्लूजन निकला, या फिर राइट पर्सन से बात करी कि नहीं करी और क्या कंक्लूजन निकला, वो देखना है। सिग्निफिकेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ करेक्टेड एंड अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द एंगेजमेंट, तो ये भी चेक करना है आपको। इसके बाद है द मैटर टू बी कम्युनिकेटेड टू द मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस वेयर एप्लीकेबल अदर पार्टीज सच एज रेगुलेटरी बॉडीज।
तो ये भी देखना है कि जो मैटर है क्या इन लोगों ने मैनेजमेंट और TCWG से किया है, अगर कोई इंपॉर्टेंट मैटर है तो किया होगा, अगर इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है तो क्या पता नहीं किया होगा, तो ये भी आपको देखना है। इसके बाद आपको उनके वर्किंग पेपर्स भी एक बार चेक कर लेने हैं, ठीक है, इन रिलेशन टू द सिग्निफिकेंट जजमेंट एंड सपोर्ट ऑफ द कंक्लूजन रीच्ड, कि उनने कैसे कैसे कंक्लूजन अपना रीच किया है, तो एक बार आपने उनके वर्किंग पेपर्स भी चेक कर लेना। द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ टू बी इशूड, तो अप्रोप्रिएटनेस भी देख लेना, जो भी उन्होंने रिपोर्ट इशू करने वाले हैं उसकी एक अप्रोप्रिएटनेस देख लेना, वो ठीक तो बनी है कि नहीं, ठीक है, तो ये चीज़ चेक कर लेना आप एज अ रिव्यूअर, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, ठीक है, ये तो मैंने सारे पॉइंट्स पढ़ा दिए, अब होगा एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का यहाँ पॉइंट होगा, मैं ढूंढता हूँ, ये रहा, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अब ये भी हो सकता है कि आपने क्या किया, मतलब अब क्या हुआ, मान लो एक ऑडिटर ऑडिट करने गया, अब बाद में रिव्यू कर रहे थे, रिव्यूअर का एक अलग ओपिनियन है, वो जो ऑडिट करने गया उसका अलग ओपिनियन है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, तो उस केस में क्या करें, देयर माइट बी अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद द एंगेजमेंट टीम विद दोस कंसल्टेड विद, एक मिनट, ये रहा ऑडिट कंट्रोल रिव्यूअर, अब रिव्यूअर के बीच में और ऑडिट एंगेजमेंट टीम जो करने गई थी दोनों के बीच डिफरेंस हो गया, दोनों को अलग अलग बातें कह रहे हैं, तो भैया जो रिपोर्ट शुड बी इशूड आफ्टर रिजोल्यूशन ऑफ सच डिफरेंसेस, पहले उन डिफरेंसेस को क्लियर करना पड़ेगा तब रिपोर्ट जाएगी, ठीक है। इन केस रिकमेंडेशन ऑफ एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द एंगेजमेंट पार्टनर एंड द एंड मैटर इज नॉट रिजॉल्व्ड to the reviewer satisfaction, the matter should be resolved by the following established procedure of the firm by lagging consulting another practitioner of the firm. अब जो भी फॉर्म की पॉलिसी बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग इसको रिजॉल्व करो, हो सकता है कि अब रिव्यूअर की बातों से एंगेजमेंट पार्टनर खुश नहीं है, रिव्यूअर ने कहा नहीं नहीं तुमने तो गलत किया, ऐसे करना चाहिए, भाई एंगेजमेंट पार्टनर कह रहा है भग यहाँ से, मैंने जो किया बिल्कुल सही किया है, तो यार मैं कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, तो नॉट रिजॉल्व, अगर नहीं रिजॉल्व हुआ है तो जो भी फॉर्म की पॉलिसी है प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग देखो, कंसल्ट करो विद अदर प्रैक्टिशनर ऑफ द फर्म, फर्म के अदर प्रैक्टिशनर है उनसे करो, और द प्रोफेशनल और रेगुलेटरी बॉडी। देखो ऐसा भी हो सकता है दो ही पार्टनर हैं, एक ने रिव्यू किया एक ने काम किया, नहीं हो रहा तो बाहर से हेल्प लो या फिर रेगुलेटरी बॉडी से बात करो, कई बार ऐसा भी होता है कि लॉ में कुछ ऐसा कंप्लाई करने का हो गया नहीं समझ आ रहा, तो रेगुलेटरी बॉडी से भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद आ गया एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन, अब ये क्या कह रहा है भैया, अब ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैं दो तीन चीज़ें मार्क करवाऊंगा, वो चीज़ें मार्क कर लेना MCQ के लिए, बाकी मैं रीड करवा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, द फर्म शुड इस्टेब्लिश, एक फर्म को इस्टेब्लिश करना चाहिए प्रोसीजर पॉलिसी एंड प्रोसीजर टू एंगेजमेंट टू कंप्लीट द असेंबल फाइल एंड एंगेजमेंट फाइल टू टाइमली बेसिस आफ्टर एंगेजमेंट रिपोर्ट हैव बीन फाइनलाइज्ड, जो भी आपकी मतलब रिपोर्ट है फाइनलाइज होने के बाद आपको एक सही से मतलब जो भी आपकी पॉलिसी है प्रोसीजर है उसके हिसाब से आपको फाइनल फाइल बनानी चाहिए, बना ली आपने फाइल फाइनलाइज कर ली, उसके बाद एंगेजमेंट फाइल शुड बी कंप्लीट इट नॉट मोर देन 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, भैया आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट है ना उसके 60 डेज के अंदर अंदर आपकी एंगेजमेंट फाइल बन जानी चाहिए, एक मिनट तो वो कहाँ गया वो वाला पॉइंट, हाँ ये पॉइंट है, ये क्या कहना चाहता है, आपकी जो भी रिपोर्ट वो है ना ऑडिट फाइल्स हैं, मतलब देखो क्या होता है आप ऑडिट करके आ गए आपने रिपोर्ट दे दी उसके बाद है ना आप अपनी सारी फाइनलाइजेशन करते हो पूरा कंप्लीट करते हो ऑडिट को, ऐसा नहीं है बस रिपोर्ट दे दी सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, आपके वर्किंग पेपर्स थे आपकी जितनी भी फाइंडिंग्स थी आपको चेक करनी थी, आपको अगले साल के लिए भी प्रिपेयर करना था, इस साल के लिए भी आपने जितनी भी फाइनलाइजेशन करी, तो आपको वो फाइनलाइजेशन है ना 60 दिन के अंदर अंदर कर लो, या फिर कोई भी टाइम लिमिट आपने अगर सोच रखा है अपनी कंपनी के अंदर वो अप्रोप्रिएट है तो उसको फॉलो कर लो, आपने कहा कि भैया इस कंपनी की जिसकी ऑडिट करते हैं इसकी रिपोर्ट देने के बाद भी जो फाइनलाइजेशन है उसको करने में 90 दिन लग जाते हैं, तो हमारी पॉलिसी है कि इसको हम 90 दिन में कंप्लीट करेंगे, तो 90 दिन में करो वरना 60 दिन में करो, तो ये मार्क कर लो MCQ के लिए कि 60 डेज के अंदर करना है या विद इन लिमिट, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, आप आ जाओ यार वो वाला पॉइंट कहाँ गया, 7 ईयर्स वाला, एक मिनट रुकना, अब यहाँ आ जाओ सीधा नेक्स्ट पेज पे, एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन हैव बीन रिटेन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम सफिशिएंट टू बी परमिट विद दो
परफॉर्मिंग मॉनिटरिंग प्रोसीजर टू इवेल्युएट फॉर्म कंप्लायंस विद इट्स क्वालिटी कंट्रोल फॉर लॉन्गर पीरियड इफ रिक्वायर्ड बाय द लॉ और रेगुलेशन। ये कहना चाहता है कि अब जो डॉक्यूमेंटेशन है ना आपका, जो भी आप ये डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, फाइनलाइजेशन कर रहे हो, इन सारे डॉक्यूमेंटेशन को आप संभाल के रखोगे तब तक जब तक लॉ परमिट करता है। वैसे यहाँ पर एक टाइम पीरियड भी दे दिया, इन स्पेसिफिक केस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट द रिटेंशन पीरियड ऑर्डिनरली नो शॉर्टर देन 7 ईयर्स। 7 साल तक तो आपको करना ही करना है, इसको MCQ के लिए मार्क कर लो, बाकी जितनी लॉ की रिक्वायरमेंट हो आप उसके हिसाब से करो, ठीक है। लेकिन मिनिमम 7 साल के लिए तो आपको करोगे ही करोगे। आप ऐसा नहीं करोगे कि भाई 3 साल की हमारी फर्म की पॉलिसी थी, हमारी क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसी यही थी कि 3 साल तक हम रिटेन करेंगे, भाई ऐसा नहीं है। 7 साल तक तो मिनिमम करो, और बाकी अगर लॉ कुछ बोलता है तो उस केस में ज़्यादा करो। जैसे कि बैंकिंग के केस में अलग है, बैंकिंग के केस में कुछ और कहता है। उसके बाद कोई और केस तू ऑयल्स की जो हम करने जाते हैं, वहाँ गवर्नमेंट बॉडीज कुछ और कहती हैं, तो जो लॉ में लिखा है उतनी तो आप डॉक्यूमेंटेशन संभाल के रखो, वरना आप 7 साल तो कम से कम तो संभाल के रखो रखो ही, प्लस 7 साल से कम तो करना ही नहीं है, तो ये भी MCQ के लिए मार्क कर लो। अब आ जाओ लास्ट टॉपिक मॉनिटरिंग, इस पूरे चैप्टर का मॉनिटरिंग भी देखो बहुत ईजी है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। पेपर के लिए इंपॉर्टेंस क्या है कि भैया कुछ भी आ सकता है पेपर में, अगर इंपॉर्टेंट होगा तो मैं मार्क करवा ही रहा हूं, बाकी आप रीड करते हुए चलो, सबको लर्न करते हुए चलो। देखो, द फर्म शुड इंश्योर दैट पॉलिसी एंड प्रोसीजर रिलेटिंग टू द सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल आर रेलिवेंट एडिक्वेट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। अच्छा, मॉनिटरिंग का मतलब बता दूं, आपको मॉनिटर करना है काम को, ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि दो फर्म का हमें देखना है कि जो सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है वो रेलिवेंट है कि नहीं, एडिक्वेट है कि नहीं, इफेक्टिवली काम कर रहा है कि नहीं, कि सच पॉलिसी एंड प्रोसीजर शुड बी इंक्लूड एन ऑनगोइंग कंसिडरेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंक्लूडिंग पीरियडिक इंस्पेक्शन ऑफ अ सिलेक्शन ऑफ कंप्लीट एंगेजमेंट। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एंगेजमेंट हैज़ टू बी मॉनिटर टेकिंग इन टू कंसिडरेशन फैक्टर्स। आपको इन फैक्टर्स का ध्यान रखना है, क्या क्या, डिसाइडिंग वेदर द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ऑफ फर्म्स अप्रोप्रिएटली डिजाइन। आपके जो भी मतलब क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है वो प्रॉपर अप्रोप्रिएटली डिजाइन होने चाहिए और इफेक्टिवली इंप्लीमेंट भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है आपने डिजाइन करके छोड़ दिए बस, हाँ ठीक है, इंप्लीमेंट कोई कर ही नहीं रहा। तो आपको एक ऐसा बंदा रखना है जो मॉनिटर करे इन सबको, इन सारे पॉइंट्स को। देखो, अब मैं एक चीज बता देता हूँ, वैसे इस पॉइंट में पढ़ेंगे, मान लो मेरी एक फर्म है, 10 पार्टनर्स हैं उसमें, 10 पार्टनर जरूरी नहीं है सारे CEO, CA के साथ कोई MBA भी पार्टनर हो सकता है, हो सकता है, हम आगे पढ़ेंगे कि MBA को भी हम एज अ पार्टनर रख सकते हैं। तो MBA पार्टनर है, CA पार्टनर है, हो सकता है मैं किसी भी एक बंदे को लगा दिया कि भाई तू है ना मॉनिटर कर ले सारी हमारी जितने भी क्वालिटी कंट्रोल हम कर रहे हैं ना, इन सबको सही से मॉनिटर कर ले। तो वो कहेगा भैया मैं क्या क्या चेक करूँ, तो मैंने कहा देख तू क्या क्या काम करेगा, तू एक तो चेक करेगा कि जो भी हमारी क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज हैं क्या वो सही से बनी है कि नहीं बनी, और अगर सही से बनी है तो क्या वो इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे कि कोई न्यू डेवलपमेंट का अगर कोई स्कोप है, लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, तो वो भी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज में आ जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है कंडक्ट मॉनिटरिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर, ये है कि कौन करेगा, बाय किस, कौन करेगा क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, तो एक CA भी कर सकता है या फिर कोई अदर पर्सन भी कर सकता है। जैसे कि मैंने बताया MBA पार्टनर है हमारा या MBA हमारे स्टाफ में है, स्टाफ वाला बंदा भी कर सकता है, तो कोई भी कर सकता है, जरूरी नहीं है कि इसके लिए CA ही होना जरूरी है मॉनिटर करने के लिए, कोई भी बंदा कर सकता है। क्वालिटी कंट्रोल ही तो चेक करना है कि फॉर्म में हो रहा है कि नहीं है, तो छोटी सी चीज़ है और होना चाहिए। देखो ऑडिट क्या पढ़ा रहा है तुम्हें, होना चाहिए तुम्हारी फॉर्म में कि तुम्हारा तुम्हारी जो क्वालिटी कंट्रोल, हमने अभी पूरा पढ़ा कि क्वालिटी वाइज हमें सारा काम करना है, तो वो एक बंदा होना चाहिए जो मॉनिटर करे इन सबको। इसके बाद डीलिंग विद द कंप्लेंट्स एंड एलिगेशन बाय द फर्म्स और एम्प्लॉयज विद द नॉन कंप्लायंस ऑफ द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड अप्रोप्रिएट रेगुलर रिक्वायरमेंट्स बाय विद इन और आउटसाइड द फर्म। भाई हमारी कंपनी में हमने देखा कि काम करते करते भाई कोई अगर नॉन कंप्लायंस हो रही है तो उसके लिए क्या अप्रोप्रिएट एक्शन लिया गया है कि नहीं गया गया, ठीक है, और मतलब अप्रोप्रिएट हम रिक्वायरमेंट से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो एक बार चेक करना है। इसके बाद टेकिंग अप्रोप्रिएट रेमेडियल एक्शन अगेंस्ट द पर्सनल हु डिड नॉट कंफर्म द क्वालिटी। अगर हमारा कोई बंदा, हमारा कोई आर्टिकल, हमारा कोई पार्टनर अगर नहीं कर रहा है फॉलो इस क्वालिटी कंट्रोल को जो हमने अपनी कंपनी में बनाया है, तो उसके लिए एक रेमेडियल एक्शन लिया जाना चाहिए, तो वो चेक करना है आपको। इसके बाद लास्ट पॉइंट पे आ जाओ, लास्ट पॉइंट ये कहता है टेकिंग एक्शन व्हेन डेफिशिएंसी इन द डिजाइन एंड ऑपरेशंस ऑफ द फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड प्रोसीजर्स और नॉन कंप्लायंस विद द फर्म्स सिस्टम
ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड आइडेंटिफाइड, एक मिनट, टेकिंग एक्शन व्हेन डेफिशिएंसी, अगर कोई डेफिशिएंसी हुई है तो उसके लिए हमें सही अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है, ठीक है, जो भी नॉन कंप्लायंस हुआ है उसके लिए, ठीक है, बस इतना सा है। इसके बाद हमारा ऐसे 220 स्टार्ट हो जाएगा, मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगा क्योंकि अभी एक घंटा ऑलरेडी हो चुका है, तो आप इसको पढ़ लेना, मैंने आपको तरीका बता दिया, आपको वीडियो पॉज करके पूरा टॉपिक जो भी मैंने पढ़ाया वो पढ़ना और फिर खुद से पढ़ना, ठीक है, या फिर पूरी वीडियो देख के पढ़ना है, आपको जैसे सही लगे पढ़ना, मेरा यही रिकमेंडेशन है, आप साथ साथ पढ़ो, टाइम आधा दिन लग जाए एक घंटे की वीडियो में डजेंट मैटर, आपका क्वालिटी कंट्रोल पूरा हो जाएगा, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। 220 आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और बहुत ईजी है 220, ईजिली आपको समझ आएगा, क्वालिटी कंट्रोल समझ आ गया, अब आपको 220 ईजिली समझ आ जाएगा, क्योंकि ये तो बस क्वालिटी कंट्रोल की बात करता है, किस पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब ऑडिट पे बात करता है, तो वही सेम पॉइंट्स ही मिलेंगे सारे, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर भी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, तो ज़्यादा बड़ा ये बचा नहीं है, बस ये ख़त्म, बस छोटा सा ही तो है चैप्टर, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।